चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि आज सीएम कमलनाथ इंदौर दौरे पर हैं। इंदौर आज जाएंगे और शहर को 800 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही बिलियन कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम और उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा राउंड विधानसभा में भी जाएंगे और किसानों को जो है किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बांटे जाएंगे। तो गांव विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। बता दें 2000 के ऊपर ये किसान हैं जो यहाँ पर रहेंगे जिन्हें प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इसके अलावा सीआईआई के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीए और आज इंदौर दौरे पर है। इंदौर से ये खबर बता दें कि आज सीएम कमलनाथ इंदौर जाएंगे जहां पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। गांव विधानसभा में जाएंगे और किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटेंगे। इसके अलावा 800 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात शहर को देंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई जो कार्यक्रम यहां पर होना है उसमें भी शिरकत करेंगे, उसमें भी शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा भी करेंगे। इंदौर से सबसे बड़ी खबर 800 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई विकास सीआईआई जो कार्यक्रम होना है यहां पर भी शिरकत करेंगे और इसके बाद उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा राव विधानसभा जाएंगे और किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी सीएम बांटेंगे। इंदौर से एक खबर बता दें कि आज सीएम कमलनाथ इंदौर दौरे पर हैं और शहर को 800 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सीआईआई कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। राव विधानसभा जाएंगे और वहां पर कार्यक्रम में जो किसान मौजूद रहेंगे उनसे चर्चा भी करेंगे, बातचीत करेंगे और ऋण माफी के प्रमाण पत्र इन किसानों को सीएम बांटेंगे। इंदौर से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर सीएम कमलनाथ का दौरा है, इंदौर जाएंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम है, सीआईए कार्यक्रम है, वहां पर भी जाएंगे और उद्योगपतियों से इस कार्यक्रम में वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा राव विधानसभा में एक कार्यक्रम है, वहां भी जाएंगे, किसान मौजूद रहेंगे और किसानों से ये बातचीत करेंगे। सीएम और ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र है इन किसानों को यहाँ पर बांटे जाएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण जी, जानना चाहेंगे आज सीएम कमलनाथ के इंदौर दौरे पर है, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी, देखिए आज मुख्यमंत्री का इंदौर दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। इसमें लगातार 9 घंटे तक मुख्यमंत्री इंदौर में रहने वाले हैं और कई कार्यक्रम उनके बनाए गए हैं। मुख्य तौर पर देखा जाए तो इंदौर में अलग अलग जगह जाकर मुख्यमंत्री कुल मिलाकर 800 करोड़ के जो विकास के काम है उनकी सौगात इंदौर वासियों को देने वाले हैं। वो राव भी जाएंगे, राव में जो कर्ज माफी के प्रमाण पत्र है वो किसानों को देंगे। एक बड़ा सम्मेलन वहां पर किसान सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उनको किसानों को बताया भी जाएगा कि अगला जो कड़ी है ऋण माफी की उसके तहत भी किसानों के जो बाकी के ऋण है उनको माफ किया जाएगा। इसके अलावा निवेश के लिए लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं तो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जो इंदौर का है उसमें सीआईआई ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। औद्योगिक संगठन है सीआईआई और उसमें कई उद्योगपति भी शामिल होंगे और उनको भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और निवेश के लिए मध्य प्रदेश की योजनाएं, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की उपयोगिता और मध्य प्रदेश की सुविधाएं, ये सारी चीजें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को बताने वाले हैं। तो काफी बड़ा
उसमें कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का इंदौर में, ये तीनों अलग अलग जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 9 घंटे तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद भोपाल वापस आएंगे। जी जी, चलिए शुक्रिया अरुण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आज के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, सीएम इंदौर जाएंगे और यहाँ कई तरह के कार्यक्रम हैं इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा राव विधानसभा भी जाएंगे जहाँ किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे।